तो फाइनली स्टूडेंट्स केवीएस ने ऑफिशियल प्रेस रिलीज के द्वारा अपने पीजीटी और टीजीटी पोस्ट के कट ऑफ्स को जारी किया है और जितने भी हमारे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनकी क्या कट ऑफ स्कोर होनी चाहिए उसको रिलीज कर दिया है। किस तिथि में उनकी इंटरव्यू होने वाली है और कहां होने वाली है इसके बारे में भी पूरी जानकारी अपने ऑफिशियल प्रेस रिलीज में केवीएस ने यहां बता रखा है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। अब देखिए दो बातें इस पे मैं बताना चाहूंगा क्योंकि काफी सारी वीडियोस अलग अलग फैकल्टीज और डिपार्टमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से आ चुकी हैं कि इतनी कट ऑफ होगी और अब आप तैयार हो जाइए केवीएस के इंटरव्यू के लिए। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि केवीएस के एग्जामिनेशन जो हुए हैं उसका क्रम अगर आप देखो तो सबसे पहले पीजीटी एग्जामिनेशन हुई, उसके बाद टीजीटी एग्जामिनेशन हुई और उसके बाद होती है पीआरटी। तो कुछ उसी सीक्वेंस का सहारा लेते हुए केवीएस ने अपने रिजल्ट्स और कट ऑफ को भी रिलीज किया है। अभी पीआरटी की हम कट ऑफ्स अवेट कर रहे हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात रहेगी कि आपकी जो केवीएस के एग्जामिनेशंस हुए हैं वेदर फॉर टीजीटी पोस्ट या पीजीटी पोस्ट वो अलग अलग शिफ्ट्स में हुए हैं तो नॉर्मलाइजेशन की ज्यादा चांसेस हैं, नॉर्मलाइजेशन के हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी बनते हैं। तो उन बच्चों का जिनको लगता है कि हाँ कहीं ना कहीं से स्कोर कम रह गया है तो अभी वेट कीजिए नॉर्मलाइजेशन का, एक आधे हफ्तों में आपको इसकी भी पूरी जानकारी मिल जाएगी एंड देन यू कैन स्विच। आप स्विच कर सकते हो, एक ऐसी स्थिति पे आ जाओगे जहां से आप ये डिसीजन ले पाओगे कि क्या मुझे केवीएस की इंटरव्यू की प्रिपरेशन 100% डेडिकेशन के साथ करना स्टार्ट कर देना चाहिए या फिर शुड आई स्विच टू अदर एग्जामिनेशंस जो अपकमिंग है जिनमें DSSSB एंड VS वगैरह के एग्जामिनेशंस हैं। अब सबसे पहले मैं बता दूं कि आपकी पीजीटी हिंदी की जो डेट ऑफ इंटरव्यू है वो 15 से 18 के बीच है, लखनऊ में होने वाली है, केंद्रीय विद्यालय गोमती नगर लखनऊ में। पीजीटी इंग्लिश 15 से 18 मई के बीच केंद्रीय विद्यालय गोमती नगर लखनऊ। पीजीटी हिस्ट्री की भी सेम सेंटर है, पीजीटी ज्योग्राफी की भी सेम सेंटर है और पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए भी सेम सेंटर है। फॉर फिजिक्स इट इज केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 भुवनेश्वर। पीजीटी केमिस्ट्री इट इज केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 भुवनेश्वर। फॉर बायोलॉजी इट इज केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 सॉल्ट लेक कोलकाता। फॉर पीजीटी बायोटेक इट इज द सेम सेंटर दैट इज सॉल्ट लेक कोलकाता। फॉर पीजीटी कॉमर्स ऑल्सो इट इज द सेम सेंटर केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 सॉल्ट लेक कोलकाता। फॉर पीजीटी मैथमेटिक्स इट इज JNU कैंपस न्यू दिल्ली, केंद्रीय विद्यालय JNU कैंपस न्यू दिल्ली। फॉर पीजीटी कंप्यूटर साइंसेज वी हैव केंद्रीय विद्यालय पिकेट हैदराबाद। फॉर टीजीटी नाउ टीजीटी वैकेंसीज के लिए जो इंटरव्यू राउंड होने वाली है, फॉर मैथ्स साइंस एंड सोशल स्टडीज वी आर हैविंग केंद्रीय विद्यालय JNU कैंपस न्यू दिल्ली। फॉर इंग्लिश एंड हिंदी, फॉर इंग्लिश वी आर हैविंग IIT केंद्रीय विद्यालय विच इज प्रेजेंट इन IIT कैंपस पोवाई मुंबई। फॉर हिंदी वी आर हैविंग केंद्रीय विद्यालय ONGC देहरादून TGT पोस्ट के लिए है। फॉर TGT संस्कृत वी हैव AFO स्टेशन केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 गुड़गांव। फॉर आर्ट एंड एजुकेशन वी आर हैविंग केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 सॉल्ट लेक कोलकाता। एंड फॉर TGT WE वी आर हैविंग JNU कैंपस केंद्रीय विद्यालय न्यू दिल्ली। तो ये सब आपके तिथि और किन किन जगहों पर ये होने वाले हैं इसके बारे में आपको ये जानकारी दे दी गई है। अब आते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन जो कि आपकी कट ऑफ स्कोर्स हैं। अगर आप देखें तो पीजीटी हिंदी की काफी ज्यादा हाई कट ऑफ गई है, जनरल कैटेगरी के लिए 143, फॉर मैथ्स आप देख सकते हैं 141। तो मैथ्स और हिंदी इन सब की कट ऑफ काफी हाई गई है। उन्हीं में कुछ और भी केटर देख सकते हैं, पीजीटी फिजिक्स 120, पीजीटी हिस्ट्री 127। तो अगर कुल मिला के देखें तो हम कह सकते हैं वी कैन से कि जो आपकी स्कोर है इट इज लाइंग समवेयर बिटवीन 130 to 145, 130 से 145 के बीच अगर आपकी स्कोर है। मैं सिर्फ पीजीटी की ही बात नहीं कर रहा हूं, अगर आप ध्यान से देखें यहां देखें, तो टीजीटी के भी पोस्ट्स में आपको कट ऑफ्स कुछ वैसे ही दिखेंगे, 130, 134, 129, 141, 142, 132, 136। सिर्फ टीजीटी PNHE में वी आर हैविंग 113, अदरवाइज जो कट ऑफ है टीजीटी केवीएस की वो भी करीबन 130-135 के आसपास है सारे पोस्ट के लिए। तो ओवरऑल अगर मैंने एक सेफ साइड निकाला
फॉर अकॉर्डिंग टू द कट ऑफ रिलीज बाई केंद्रीय विद्यालय संगठन। तो ये तो क्लियर है कि 130 से 145 के बीच में अगर आप स्कोर कर रहे हो तो नॉर्मलाइजेशन का भी फायदा अभी मिलने वाला है, which is going to help you in the interview as well. आप जानते हैं कि जितना ज्यादा आपका स्कोर रहेगा मेरिट में, देखो जिन्हें बुलाना था उन्हें तो बुला लिया गया KVS की तरफ से, अब जितना ज्यादा आपका मेरिट बन रहा होगा दैट विल बी एन एडेड बेनिफिट इन द इंटरव्यू। इसीलिए इसकी बात की जा रही है कि जो अलग अलग शिफ्ट्स में एग्जामिनेशन हुए हैं उनकी नॉर्मलाइजेशन का भी बेनिफिट आपको मिलने वाला है। तो एक आधे हफ्ते और रुक जाइए तो आपको यह भी पता लग जाएगा कि शुड यू कंप्लीटली डेडिकेट योर टाइम फॉर द KVS इंटरव्यू, क्या आपको अपना पूरा वक्त अब KVS इंटरव्यू के प्रिपरेशन में लगा देना है, या फिर कहीं अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरी स्कोर काफी कम रह जा रही है एंड देयर आर मिनिमल चांसेस ऑफ सिलेक्शन, देन यू शुड टेक योर डिसीजन, अपना आपको डिसीजन तुरंत ले लेना है और अपकमिंग जो D++B की वैकेंसीज हैं उसकी तैयारी में लग जाना है, वेदर इट इज फॉर TGT और PGT। ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए टीचर्स आर द 24 चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत।